मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब? यो बच्चे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। और सभी को हैप्पी दिवाली, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को। और आशा करते हैं कि दीपावली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। जैसे दियों के साथ जगमगाती है, वैसे सभी की जिंदगी में खुशियाँ आए। तो गाइस, सुबह हो चुकी है और मैं जागी, और मैं अभी तो बिस्तर में भी लेटी हूँ क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और काम भी करती रही, कुछ मैं थकी हुई हूँ और हैं, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। तो मैं तो रजाई ओढ़ के लेटी, देखिए आपको दिखाती हूँ, ये इतनी बाहरी रजाई ओढ़ी तब सर्दी रुकी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो गाइस, सुबह हो गई, आज है दिवाली, तो आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की मेरी तरफ से। तो गाइस, उठते हैं, आज के लिए भी मेरे लिए बहुत काम है क्योंकि आज जो परंपरा होती है, तो हमारे यहाँ आज दीपावली का दिन है, तो आज यहाँ पूजा होगी। और पता नहीं किस किस की होती है, पर बहुत सारी पूजा होती है, तो वो भी करनी है। और आज बहुत सारे काम है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना, एंजॉय करना, बहुत मस्त वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर मिलेंगे। तो गाइस, मैं आ गई बाहर और सुबह हो चुकी है। देखिए इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारी तुलसी माँ है, मैंने इनका आशीर्वाद लिया और अपने काम की शुरुआत करते हैं। और इधर देखिए मेरा घर का लोकेशन। तो चलिए गाइस, जल्दी से काम फ्री करते हैं और फिर और काम आगे होगा क्योंकि आज पूजा भी होनी है। और वैसे भी मैं धीरे धीरे काम कर पाती हूँ, तो अभी से लगेंगे तभी टाइम पर काम फिनिश हो पाएगा। इधर मैं झाड़ू लगाने लगी क्योंकि यहाँ पर ईंटें बिछी हैं, जो अच्छी चिनाई वाली ईंटें होती हैं भाई, तो उनमें कूड़ा और मिट्टी फिट्टी भर जाती है, तो वह झाड़ू से निकालनी पड़ती है। तो इधर मैंने झाड़ू पूरे घर में लगा दिया था, वीडियो यहीं पर नेक थोड़ी सी शूट की क्योंकि ज़्यादा वीडियो बनाओ और वैसे तो आप लोग देखते नहीं हो, बोरिंग हो जाती है। और वैसे भी आप लोग मेरी वीडियो को बहुत कम पसंद करते हो, तो कोशिश तो यही करती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा ही दिखाऊँ, पर क्या करूँ, आप लोगों को नहीं पसंद आती है। तो गाइस चलिए काम करते हैं। देखिए गाइस, मैं नहा के आ गई और अब करते हैं पूजा। आप लोग मेरी वीडियो में बने रहना, और बहुत टाइम हो गया कि जल्दी जल्दी करो, फिर भी लेट हो गई। और देखिए मैंने चूल्हे पे रख दिए हैं आलू बॉयल होने के लिए, और इधर हमने ये लिपाई करी थी और वे सारे कपड़े धुले और नहाई। अभी कान्हा जी नहाने के लिए हैं, तो उनको नहाती हूँ। कान्हा जी को नहाने के बाद फिर मिलते हैं, पूजा करेंगे। देखिए गाइस, हम तो नहा चुके हैं और इधर मैं आलू बॉईल करने के लिए रखे आई क्योंकि जब तक मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाएंगे तब तक हमारे आलू भी बॉईल हो जाएंगे। और काम तो सभी करने होते हैं सुबह सुबह, और वैसे भी त्यौहार पे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और ख़ास करके गांवन में, क्योंकि शहरन में इतना काम नहीं होता है और गांवन में तो पता नहीं कितना काम हो जाता है। और मैं जब अपने भगवान जी को नहला देती हूँ, लड्डू गोपाल को, दोनों लोगों को, तो ऐसा लगता है कि सारा काम फ्री हो गया। अगर ये नहाने के लिए रह जाएं तो अधूरा अधूरा सा काम लगता रहता है। तो हमने अपने दोनों लाला नहला दिए हैं और ये देखिए बैठाल दिए, कितने सुंदर लग रहे हैं, हैप्पी हैप्पी कान्हा जी। और देखिए इधर मैंने खीर बनने के लिए रख दी क्योंकि पूजा में खीर भी चढ़ेगी, तो इधर खीर बन रही है, तब तक मैंने आटा लगा लिया। और आटा लगाने के लिए जल्दी से पूजा ख़त्म करते हैं। ये ससुर जी नहा रहे थे और यहाँ पर मैंने पूजा की जो पूड़ियाँ, तो देखिए गाइस इधर मैं खाना सेकने लगी और पूजा की पूड़ी थी आठ अठावरी, तो वो हमने निकाल दी और पूजा हमारी जा रही है। कहीं दूसरे गांव में होती है, कहीं पर मंदिर है माता रानी का, वहीं पूजा होने जाती है, पता नहीं ये परंपरा चलती आ रही है, तो हम लोगों को भी निभानी पड़ती है। और
पूजा तो सभी के यहाँ होती होगी, बट के बहुत लोग होते हैं जो कुछ बजरंगबली के पता नहीं क्या बोलते हैं वो होते हैं, तो उन लोगों की नहीं होती है। वैसे तो सभी लोगों की, खास करके हमारी समझ से होती होगी, किसी की यहाँ कैसी भी होती है किसी कैसी। तो इधर मैं कर रही हूँ पूजा, और माता रानी की पूजा चली गई है और मैं पूजा को फिनिश करती हूँ गाइस। फिर थोड़ी देर में मिलेंगे, और अभी मैं काम कर लें। तो देखिए गाइस, इधर मैं पूजा करके थोड़ी देर के लिए आराम करने लेट गई। अभी मेरे बर्तन फर्तन सभी साफ करने के लिए पड़े हैं, क्योंकि मैं इतनी हार गई। वैसे भी परसों से काम में लगी पड़ी और बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, तो मैं लेट गई। और फिर मैं जब जागूंगी, इधर मैं ये सारा कर रही हूँ कि जो फैन चल रहा है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, और आवाज़ तो अभी भी कर रहा है। हट के क्या करूँ, वीडियो भी अपलोड करनी है। तो गाइस, वीडियो इतनी बड़ी करते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं करते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, इसी का दूसरा पार्ट भी आएगा, तो आप लोग इन्जॉय करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।